माननीय विधायक जी लकड़ी का सहारा लेकर, अरे अरे उठा लो उठा लो, ये बहते बहते हरिजामी जी बच चुके हैं, आधा बह गए थे। आप देखेंगे माननीय विधायक जी को जो आइए दू, ये देखेंगे आप हरिजामी जी पूरे कीचड़ में बहते बहते बच गए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, हाथ जोड़ रहा हूं, मैं कांग्रेस का विधायक जरूर हूं, लेकिन ये धारचूला की जनता, यह भी आप ही की जनता है। आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप मेरी इस जनता को रेस्क्यू कर बचा लें, क्योंकि आज बहुत नाजुक स्थिति है। मैं एक सैनिक का बेटा हूं, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, आप मेरे लोगों को सुरक्षित निकाल दीजिए, इनको सुरक्षित जगह पर पुनर्वास कर दीजिए। अगर आप कहेंगे तो मैं 2022 का चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आप मेरी जनता को सुरक्षित निकाल दें। आज जिस तरह मैं अपनी जनता के बीच गया, उनको देख रहा हूं, मैं भी बाल बाल बच के आया हूं, भगवान की कृपा से मेरे कार्यकर्ताओं ने मुझे बचाया है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप हेली सेवा कर, जो ये मोरी लोग मोरी में फंसे हैं, लुमती में फंसे हैं, मेत्री के लोग फंसे हैं, या धारचूला में जितनी त्रासदी धारचूला मुंशियारी में आई है, आप इनके साथ इंसाफ करें। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं तत्काल अभी भी मैं अपने पद से इस्तीफा देने को तैयार हूं, लेकिन मेरी जनता की ये बुरा हाल, इस तरह का दुख मुझसे नहीं देखा जाता। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप मेरी जनता को बचा लें, आप मुझसे जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूं। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आप मेरी बात जरूर